Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. मीठा मुझे बहुत पसंद है, मैं खाता नहीं हूँ। हाँ, अपनी डाइट से बिल्कुल नहीं खाते। कभी कभी इनके जो डेज आते हैं, चीट डेज होते हैं या बर्थडेज होते हैं, उसमें बहुत खाते हैं। अदरवाइज नहीं। हाँ, मुझे वैसे मीठा इतना पसंद नहीं है, लेकिन आजकल मैंने भी बहुत खाना शुरू कर दिया है। उल्टा हो चुका। हाँ, उल्टा हो गया। बहुत मुझे मतलब खाने में तो मुझे कुछ भी बनाना बहुत अच्छा लगता है, पर हाँ ये थोड़ा जो मैं अभी आराम कर रही हूँ घर पे, उसका ये फ़ायदा है कि मैं और एनहेंस कर रही हूँ अपनी कुकिंग, तो काफ़ी नई मिठाइयाँ मैं सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, तो जब वो उसमें एक्सपर्ट हो जाती हूँ तब शेयर करती हूँ। देखिए, मीठा ऐसी चीज़ है जो हर ओकेजन का पार्ट होता है, चाहे कोई पूजा हो, कोई सेलिब्रेशन हो, यू नो, कोई भी खुशी हो, तो आई थिंक मीठा इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ एवरीबडीज़ हाउस होल्ड, है ना। चाहे वो एक सिंपल हलवा ही क्यों ना हो, है ना, चाहे वो मिठाइयाँ क्यों ना हो, गणपति के टाइम पे मोदक क्यों ना हो। देखिए, आप अगर मुझे 2 हफ्ते पहले मिलते ना, तो आप ये सवाल ही नहीं करते, क्योंकि मैं खा पी के एकदम मस्त हो चुकी थी। मुझे लगता है लाइफ में हर कुछ इन्जॉय करना चाहिए। ऑब्वियसली जब हम शूट कर रहे होते हैं तो वो रिक्वायरमेंट होती है कि आप स्वीट्स अवॉइड करो, या आप यू नो लिमिटेड स्वीट्स खाओ जो भी वर्कआउट करो एंड ऑल। जब अब ये मेरा फेस चल रहा था कि मुझे घर पे चिल करना है, आराम करना है, तो मैंने तो आराम से सारी स्वीट भी सब कुछ घी वगैरह सब इन्जॉय किया है। तो बस ऐसा कुछ नहीं है, इट्स इट ऑल बैलेंसेस। मतलब एक बार अगर आप अपनी नॉर्मल फिट सिचुएशन में आ जाओ, उसके बाद आप बैलेंस्ड खाओ, चलता है। देखिए क्या होता है कि लोग ना डाइट लव्स को ही गलत इस्तेमाल करते हैं। डाइट का मतलब ये होता है कि आप अपने बॉडी को स्टार्व कर रहे हैं, तो आप डाइट करेंगे तो 1 या 2 महीने करेंगे, उसके बाद जो आपको पसंद है वो आप नहीं रोक पाएंगे अपने आप को, ठीक है ना। खाते हम दिल की खुशी के लिए भी, सिर्फ पेट पूजा के लिए नहीं। तो क्या हमें करना चाहिए, एक्चुअली जो चीज़ें हमें बहुत पसंद है, जैसे मीठा अगर पसंद है तो आप रखो डाइट में, उसके बाद जो चीज़ें आप काट सकते हो, जो ज़रूरी नहीं है वो निकालो ना। तो मतलब आप डाइट को अलग तरीके से पकड़ेंगे ना, तो आप आपको खुश सर एक और शो चाहिए ये सब एक्सप्लेन करने के लिए। बट हाँ, जो उन्होंने बोल रहे कि आप यू शुड कीप एवरीथिंग इन बैलेंस, जो आपको खुशी देते हैं ना, जो आपको खुशी देते हैं वो खा लो यार। हाँ, आपको एक ही जिंदगी मिल रहा है तो खुश रहो एंड कीप इट इन बैलेंस। कल हम वापस जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, बैलेंस हो जाएगा, बस, है ना। मैं तो नहीं करती, यही करते हैं। मैं फॉलो करता हूँ, ये नहीं करती। ये डाइट के लिए कभी नहीं खाते। कपिल के शो आ गया, हम लोग बहुत खुश हैं। जैसे कि सर ने बोला लाइफ में मीठा चाहिए, तो हम सब टीवी में वो जो मीठा आप लोग को चाहिए, वो हंसी, वो मजाक, जो थोड़ी देर के लिए पॉसिबल नहीं था, हम लोग अभी लेके आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वी हैविंग अ लॉट ऑफ फन एंड आई होप आप लोग को भी मज़ा भी आएगा। हाँ, एक हाँ उसके बारे में, हाँ मतलब म्यूज़िक वीडियो अभी शूट करने वाले नया वाला, एक तो आके चला गया है और वो एक अच्छा गया है, डिफरेंट लैंग्वेज पे है, तो बहुत एक नई चीज़ है हम लोगों के लिए भी। बहुत ही यू नो उसका फील बहुत वैसा रॉयल और ऐसा है, वी शूटिंग इन उदयपुर, सो यू कैन इमेजिन कि क्या वो फील है, बट इट्स अ वेरी वेरी नाइस एंड सूदिंग सॉन्ग। बहुत ही ग्रैंड तरीके से शूट करेंगे और गाना बहुत प्यारा है, गाना बहुत प्यारा। हमेशा की तरह बहुत बड़ा थैंक यू। अभी तो YouTube फैमिली से बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगी हमारी जो पूरी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सो बस उसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। क्योंकि अब आप लोग जब हमें देखते हैं, जब हमें जानते हैं, तो हमें हम कौन हैं, नॉट जस्ट फॉर अ कैरेक्टर बट फॉर व्हाट दीपिका शो है, फॉर व्हाट इब्राहिम फैमिली इज, फॉर दैट यू लव अस, सो थैंक यू सो मच। फैंस को तो हमेशा थैंक यू ही बोलते हैं कि for always supporting us, always being with us and always you know uplifting us and you know being there with us all the time and you know as our backbone support, and they always show us our love, so just want to say that there's so much love back to all of you and yeah, we love you. Aap log bahut meethe hain aur aapka pyar aur bhi meetha hai, shukriya hame pyar dene ke liye. Thank you.